हे दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार बिल गेट्स के दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से होती है। सुबह उठने के बाद वो अपने प्राइवेट जिम में एक घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं। कभी कभी इसी दौरान वो एजुकेशनल डीवीडी देखना भी पसंद करते हैं। बिल गेट्स हमेशा 7 घंटे की नींद लेना प्रीफर करते हैं। वो कहते हैं कि 7 घंटे से कम सोकर भी वो स्पीच दे सकते हैं, बहुत से डेली रूटीन के काम कर सकते हैं, पर जब बात क्रिएटिव थिंकिंग की आती है तो बिना 7 घंटे सोए ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, बिल गेट्स के वर्किंग आवर की बात करें तो उनका ज्यादातर समय मीटिंग अटेंड करने और ईमेल रीड करने में जाता है। इनके ऑफिस में 3 मॉनिटर पर हमेशा ईमेल इनबॉक्स खुला होता है, जिसमें से एक पर करंट रीडिंग ईमेल ओपन होता है। बिल गेट्स रोजाना 100 ईमेल रिसीव करते हैं जो वो पढ़ते हैं, जबकि बहुत से अननोन ईमेल उनके पर्सनल असिस्टेंट द्वारा फिल्टर कर दिया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि 27 जून 2008 को बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के फुल टाइम चेयरमैन का पद छोड़कर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का कार्यभार संभाला था। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जरिए बिल गेट्स और उनकी पत्नी दुनिया भर में जनहित का कार्य करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में महाभारत के पात्र कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना जाता है। उसने श्री कृष्ण के मांगने पर अपना कवच दान कर दिया था, जिसके चलते युद्ध में उसकी मौत हुई थी। इस दौर में दानवीर बनने के मामले में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने सबको पीछे छोड़ दिया है। बिल गेट्स ने एक ही झटके में 29,571 करोड़ रुपए दान कर दिए हैं। दरअसल, दुनिया के सबसे अमीर शख्स का तमगा हासिल कर चुके बिल गेट्स ने अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के 6,40,00,000 शेयर दान किए, जिनकी कीमत $4.6 अरब यानी 29,571 करोड़ रुपए है। ब्लूमबर्ग की ओर से की गई एक गणना के अनुसार 61 साल के गेट्स ने साल 1999 में $16 अरब के माइक्रोसॉफ्ट शेयरों को दान में दिया था, और इसके ठीक एक साल बाद उन्होंने $5.1 बिलियन के शेयर दान में दिए थे। इसके पहले बिल और मेलिंडा गेट्स ने साल 1994 में करीब $35 अरब के स्टॉक और नकदी दान में दी थी। इतनी मोटी रकम दान करने के बाद भी बिल गेट्स दुनिया के अमीरों की टॉप लिस्ट में बने हुए हैं। अभी करंट में बिल गेट्स की कुल संपत्ति $86.1 अरब आंकी गई है। दोस्तों, बिल गेट्स जिन इक्विपमेंट और ऐप का सबसे ज्यादा यूज करते हैं उनमें शेयरपॉइंट, टैबलेट पीसी, वन नोट और डेस्कटॉप सर्च सॉफ्टवेयर शामिल है। बिल गेट्स चारों ओर से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से घिरे होते हैं। उसके बाद भी वो टाइम टू टाइम व्हाइट बोर्ड का यूज करते रहते हैं। दिन के अंत में वो वापस से अपना ईमेल चेक करना पसंद करते हैं। वो एक भी इम्पोर्टेंट ईमेल मिस करना पसंद नहीं करते। दोस्तों, अब हम बिल गेट्स से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को देखेंगे, जैसे कि बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स तृतीय है। बिल गेट्स की कहानी फकीर से अमीर वाली नहीं है, बल्कि वो पहले से ही अमीर हैं। उनके पिता विलियम एच गेट्स नामी वकील थे। बिल गेट्स के परदादा बैंक के मालिक थे। उनके बाद बैंक का कामकाज उनकी दादी ने संभाला। दादी ने अरबों की संपत्ति पोते के नाम कर दी थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिल गेट्स को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से इतना प्यार था कि वह पढ़ाई छोड़कर इसी में लगे रहते थे, जिसकी वजह से वह 11वीं में फेल भी हुए थे। बिल गेट्स ने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम एक गेम बनाने में इस्तेमाल किया था। इसे टिक टैक्टो गेम कहते हैं। इसमें 2 प्लेयर थे, एक कंप्यूटर दूसरा इंसान। उन्होंने अपना पहला प्रोग्राम केवल 17 साल की उम्र में बेचा था, जो कि उनके स्कूल के लिए टाइम टेबल का एक सिस्टम था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और हाँ, इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।